हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में हम लेके आए हैं एचटेट टीजीटी की आंसर की 60 क्वेश्चंस की जो है आंसर की है, जो जनरल पार्ट आते हैं सभी में जो सेम होता है उसके। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हिंदी का है। एक वचन से बहुवचन से अंगत असंगत शब्द चुनना था, तो राइट आंसर हो जाएगा तरबूजा तरबूजाओं। ठीक है, नेक्स्ट है स्त्रीलिंग पुल्लिंग की दृष्टि से अनुचित विकल्प छाटना था, तो तीतर तित्रिन जो है यहाँ पे सही होगा, तब इसमें मिस्टेक है। द्वंद्व समास का जो उदाहरण नहीं है वो बताना था। द्वंद्व समास में होता है दोनों इक्वल, तो भक्षा भक्षा कृष्ण अर्जुन और अचित अनुचित ये जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, तो रुद्र प्रिया जो है इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में विसर्ग संधि का प्रयोग नहीं हुआ है, तो विसर्ग संधि का जिसमें यूज नहीं हुआ है वो कौन सा है, तिरोधान। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आ उपसर्ग का जिसमें प्रयोग हुआ है, तो आधिपत्य में। वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनना था, तो प्राणी विज्ञान हो जाएगा, क्योंकि प्राणी और विज्ञान इस तरीके से लिखा जाएगा। भाववाच्य वाला विकल्प कौन सा हो जाएगा, गर्मियों में रोज नहाया जाता है। नेक्स्ट है विलोम की दृष्टि से बेमेल बताना था, तो ऐच्छिक अनैच्छिक होता है, ऐच्छिक अनिवार्य नहीं होता है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दुर्घटना क्यों हुई कैसे हुई, तो क्यों और क्यों कैसे आया है, तो इसमें रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है किस विकल्प में कम शब्द का विशेषण या प्रयोग हुआ है, तो कम का विशेषण के रूप में, तो आज उसने कम खाना खाया। हेमंत को खीर अच्छी लगती है, तो ये कर्म कारक का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है पर्यायवाची दृष्टि से असंगत बताना था, तो इसमें जो आंसर हो सकता है वो वेद हो सकता है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा डाउट है, बट इसमें आमनाय जो है शायद वेद का नहीं होता है, आगम और आकर दोनों होते हैं, तो इसमें ये हो सकता है थर्ड वाला। नेक्स्ट है किस वाक्य में निपात का प्रयोग हुआ है, निपात का मतलब क्या होता है, अवरोध या फिर कह लीजिए किसी बात पर जोर देना, तो इसमें जो है इसके कुछ वर्ड्स होते हैं निपात के, तो ही जैसे एक वर्ड हो गया, तो हो गया, भी हो गया, इस तरीके के वर्ड आते हैं जहाँ पे, तो तुम आज दिन भर सोते ही रहोगे, ही आ गया मतलब जोर दिया गया है, तो ये थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रत्यय की दृष्टि से असंगत बताना था, तो प्रत्यय की दृष्टि से जो असंगत है वो है वाल्मीकि, क्योंकि ई बड़ी ई वाला जो है प्रत्यय होता है। किस वाक्य में आज्ञार्थ विध्यर्थ वृत्ति का प्रयोग हुआ है, तो वृत्ति विध्यर्थ वृत्ति जो होती है उसमें जो है इच्छा जाहिर करते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा मैं चाहता हूं कि तुम भले इंसान बनो, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 46 है इनडायरेक्ट स्पीच वाला। द टीचर सेड टू हरी व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क यस्टरडे, तो इसमें हो जाएगा द टीचर आस्क्ड हरी व्हाई ही हैड नॉट डन हिज होमवर्क द प्रीवियस डे। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, डिड यू नॉट डैश अबाउट द वर्ल्ड एटलेस, तो डिड यू नॉट नो अबाउट द, आई हैड नॉट स्लैप्ड और ईटन एनी थिंग प्रॉपरली सिंस टू डेज, जो है सही हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है वी विजिटेड द जू ऑफ जयपुर ऑन लास्ट संडे, तो ऑन लास्ट संडे द जय ऑफ जयपुर वॉज विजिटेड बाई अस। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन, द हेडमास्टर एंड द, अलग अलग आर्टिकल आया अलग अलग नाउन के साथ, तो प्लूरल में जाएगा वर आ जाएगा। चूज द करेक्ट सिनोनिम फॉर द वर्ड गिवन बिलो, गैलेंट का जो है सिनोनिम बताना था, तो वेलियंट हो जाएगा। कुकिंग इज हिज हॉबी, तो अंडरलाइन वर्ड कुकिंग क्या है, जीरन, जो वर्ब की तरह यूज ना हो और एज ए नाउन यूज हो जाए, तो वहां पे होता है आईएनजी फॉर्म होती है, जीरन हो जाएगा। डैश नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, तो इलिटल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। बैंकक्रप्ट का एंटीनम बताना, अगर सिनोनिम होता तो इनसॉल्वेंट हो जाता, लेकिन यहाँ पे उल्टा बताना था, तो सॉल्वेंट हो जाएगा। आई पेड द बिल इन कैश हो जाएगा, इन कैश। ए मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स एफेमिनेट। नेक्स्ट है सम पीपल कैन एबिलिटी के लिए यूज करते हैं, बेटर देन बताया गया, तो कैन बेटर देन अदर्स। ठीक है, आवर पेरेंट्स हैव रेज्ड अस टू बी ए गुड सिटीजन, तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रॉट अप, ब्रॉट अप होता है पालन पोषण या ब्रिंग अप कह सकते हैं, तो फर्स्ट ऑप्शन। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली, जो सही लिखा हुआ है तो कॉमेंटी, डबल एम डबल टी आएगा। डैश डूइंग द कुकिंग आई लुक आफ्टर द गार्डन, तो बिसाइड्स अलावा के लिए यूज करते हैं। ठीक है, चलिए आगे है ड्राइवर 12, तो कार का कोड बताना था, तो इसमें क्या किया गया, जितने भी वर्ड्स हैं उन्हें डबल कर दिया गया, तो कार में तीन है तो तीन दूनी छः हो जाएगा, छः आ जाएगा। ए बी ए किसी काम को 15 दिन में, बी अकेला इसे 20 दिन में, तो ये अकेला कैसे करेगा, तो देखिए ए प्लस बी बताया गया 15 दिन 20 दिन, यहाँ से एलसीएम लीजिए 60, 15 चौक 60, 20 30 60,
बी की एफिशिएंसी 3, ए प्लस बी की यहाँ पे 4 है, तो ए की एफिशिएंसी 1 आ जाएगी, तो 1 और 60, इस तरीके से 60 इसका सही आंसर निकल जाएगा। आगे है लड़कों की एक पंक्ति में अनिल बाएं छोर से 16वें स्थान पर, विकास दाएं छोर से 18वें पर, गोपाल अनिल से, मतलब इसको आप इस तरीके से करके देखेंगे तो राइट आंसर 41 ही निकलेगा यहाँ पे। कौन सा लीप वर्ष है, तो इसमें से लीप वर्ष है 2000, ठीक है। और जैसे लीप वर्ष कौन सा था, जो 4 से कट हो, 4 से कट यहाँ पे 1800 भी हो रहा है, 4 चौक 16, 4 5 20, तो बट 1800 लीप वर्ष नहीं होता, जिसके पीछे 2 0 होती है वो लीप वर्ष नहीं होता है, लेकिन 2000 है क्योंकि यहाँ पे 3 0 है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में गो होम को ये लिखा जाता है, तो यहाँ पे सोर का कोड पूछा था, सोर आया स्वीट एंड सोर, तो एंड को लिखा जाता है, यहाँ पे लिखा भी गया है एंड को, नहीं सॉरी स्वीट को जा, तो यहाँ पे सोर का जो है पा और सा दोनों हो सकते हैं, तो थर्ड ऑप्शन सही होगा। दो व्यक्ति हैं, एक कार्यालय से उत्तर दिशा में 8 किलोमीटर, एक पूर्व दिशा में 6 किलोमीटर जाता है, तो सीधी दूरी बतानी थी, तो 8 8 64, 8 का स्केयर प्लस 6 का स्केयर, इसका रूट निकाल दीजिए, तो 1000 आएगा ये अंदर, तो ये 10 का होता है, तो 10 किलोमीटर सही हो जाएगा। 7 और 20 मिनट की घड़ी की बड़ी सुई से छोटी सुई के बीच कितने अंश का कोण बनता है, 100 डिग्री का। ओके, इसमें बताया गया सभी पत्ते जो हैं वो जड़े हैं और कुछ जड़े शाखाएं, तो इसमें सही बताना था जो सही निष्कर्ष होगा, तो कुछ जड़े जो हैं वो क्या हैं, पत्ते हैं, ठीक है। श्रृंखला को पूरा करना है इसमें, तो यहाँ पे देखिए ई एफ जी, ठीक है, एक एक छोड़ के जी एच आई, फिर 2 हो गया जे के एल एम एन आ गया, फिर 4 छोड़ा ए ओ पी क्यू आर एस आ गया, देन 5 छोड़ेंगे टी यू वी डब्ल्यू एक्स, ठीक है, और तो वाई वाला जो है इसमें सही हो जाएगा, तो ई वाई जो है यहाँ पे सही होगा। आगे देखिए किस श्रेणी में अगला, मतलब अगला पद बताना था इसमें क्वेश्चन नंबर 70 में, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा एन आर वी, ठीक है। चलिए अगला देखिए, कस्बे की जनसंख्या थी 8500, एक बार 20% वृद्धि, फिर 25%, तो 8500 का 120% निकाल लीजिए, अगर नहीं आता तो बिल्कुल, तो 10200 आ जाएगा, फिर 10200 का 125% निकाल लीजिए, सीधा 12750 यहाँ पे सही हो जाएगा। 18000 रुपये हैं, 2 वर्ष के 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर पूछा था, तो साधारण ब्याज का सिंपल फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है, तो ये आ जाएगा, सेम वो फॉर्मूला लगा लीजिए, उसमें क्या होता है मिश्र प्रिंसिपल को माइनस और करना पड़ता है, पी वन प्लस आर बाई टी, सॉरी आर बाई 100 और टी और माइनस पी करना होता है चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, तो दोनों को जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 3600 और ये आएगा 3780, तो यहाँ पे जो इनका डिफरेंस हो जाएगा वो 180 रुपये आ जाएगा, ठीक है। 1400 रुपये साधारण ब्याज पर 6 वर्ष में इतने रुपये हो जाते, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या है ये पूछा गया था, तो इसको निकालेंगे तो 8% आ जाएगा, ठीक है। पहले यहाँ से क्या करना है, ब्याज निकालेंगे इसको माइनस करके, तो ये हो जाएगा 6960 है, गुना में 100 बटे में 1400 गुना में 6 और यहाँ पे रेट जो है इस तरीके से ये निकल जाएगा, ठीक है, 8%। आगे देखिए, एक त्रिभुजाकार खेत दिया है जिसकी बुझाई दे दी 20 21 29, और इस खेत पर प्रति वर्ग मीटर में खर्च करना, हमें नहीं पता कौन सी त्रिभुज है, लेकिन 20 21 29 जो है ट्रिपलेट्स में आते हैं, अगर ये 20 है ये 21 है तो ये 29 जो है इसके बराबर आना चाहिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा, और जब राइट एंगल होता है तो इसका जो एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, ठीक है, तो 20 21 कर लीजिए, ठीक है, तो ये 240 हो जाएगा, और ये हमें 15 पे करना है, तो सॉरी 210 आएगा, 210 इंटू 15, तो 3150 यहाँ पे सही आंसर निकल जाएगा, थर्ड ऑप्शन। ओके, क्रिकेट मैच में 6 खिलाड़ियों के औसत रन दिए गए हैं, 36 हैं, तो 6 6 36 216 हो जाएंगे टोटल, एक खिलाड़ी ने 16 रन बनाए, तो शेष खिलाड़ियों की औसत संख्या, तो इसमें से 16 माइनस कर दीजिए 200 और ये 5 की औसत निकाल दीजिए 40, ठीक है, औसत संख्या 40 रन। अगला देखिए, इसमें जो सही है सीरीज में जो आंसर आएगा वो आएगा 336। नेक्स्ट है, एक बस और कार दी है, स्पीड का दिया मतलब चालों का अनुपात दिया है, तो इसका जो टाइम होता है वो इन्वर्सली होता है, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शन में 7 6 हो जाएगा, 6 7 रहेगा, फिर आगे जब इसे सॉल्व करेंगे तो जो राइट आंसर निकलेगा यहाँ पे 78 किलोमीटर पर आवर निकल जाएगा। किसी सांकेतिक भाषा में ग्रांट को ये लिखा जाता है, टाइम को ये, तो प्राइड को क्या कहेंगे, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, एफ ई जे एस क्यू। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, योगफल दिया है, अंतर क्या होगा, योगफल ये दे दिया तो मतलब 8x की वैल्यू 240x 30, तो अंतर बताना है, ये हो जाएगा 3 3 9 और 3 5 15, 150 में से 90 माइनस कर दीजिए 60 आ जाएगा। आगे कह रहा है, किसी संख्या के 60% का 3/5 36 है, तो संख्या ज्ञात करनी है, तो इधर लिया ये सारी चीजों को, 36 5 गुना 100
साठ गुना तीन, ठीक है, छः छः छत्तीस, छः कम छः ज़ीरो, ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगी, तीन दूनी छः, पाँच दूनी दस और सौ, सौ यहाँ पे सही आंसर निकल जाएगा। आगे है, गुरुग्राम किस प्राचीन गुरु से संबंधित है? द्रोणाचार्य से। हरियाणा का राज्य पशु कौन सा है? तो ब्लैक बक है। प्रताप सिंह ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह कहाँ किया था? जींद में किया था। नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट बाड़सा झज्जर में। हरियाणा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक। जिला जो दूसरे राज्यों के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो रोहतक और चरखी दादरी है। नदी जो हरियाणा उत्तर प्रदेश के बीच सीमा बनाती है, यमुना नदी। सोना नगर प्रसिद्ध है गर्म जल के स्रोत के लिए। हरियाणा में प्रशासनिक मंडल कितने? पहले चार थे लेकिन अब छह डिवीजन है। हरियाणा का शहर जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, तो गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद है। हिसार इसका क्षेत्र नहीं आता, मतलब हिसार जो है एनसीआर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये थी 60 क्वेश्चंस के आंसर की। थैंक यू सो मच।